अटूक फिल्म की श्रापित स्क्रिप्ट, जिस एक्टर ने भी ये पढ़ा उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, इसलिए ये फिल्म कभी बनी नहीं पाई। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अटूक के रोल के लिए मशहूर एक्टर जॉन बेलुसी को चुना गया। उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो अटूक का रोल करने के लिए राजी हो गए, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद 1887 में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम किनिसॉन को ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई। वो फिल्म को करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने को कहा, लेकिन डायरेक्टर ने मना कर दिया। कुछ समय बाद सैम किनिसॉन अपने फ्रेंड के साथ कार में कहीं जा रहे थे और उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मौत के वक्त उनका दोस्त ने बताया सैम किनिसॉन बार बार किसी अदृश्य शक्ति को देख के बोल रहे थे, I don't want to die। फिर कुछ समय बाद ओके कह के मर गए। इसके बाद इस स्क्रिप्ट को लोग श्रापित मान रहे थे। फिर स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव की गई। सन 1993 में क्रिस फार्ली एंड फिल हार्टमेंट को ये स्क्रिप्ट दी गई। उन्होंने इसे पढ़ा और फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। इन दोनों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इतने सारे लोगों की मौत होने पर ये फिल्म बहुत बदनाम हुई और इसे श्रापित माना जाने लगा। इसके बाद स्क्रिप्ट को सेल करके कहीं गायब कर दिया गया। आप क्या कहते हो, कमेंट करो।